और इस बीच बागपत से खबर आ रही है जहां ईंटों से लदे हुए ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा है। बागपत से खबर जहां एक शख्स की इसमें मौत भी हुई है और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। कोतवाली बागपत क्षेत्र का पूरा मामला जहां ईंटों से लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा, जिसमें एक की मौत हुई है जबकि एक युवक घायल बताया जा रहा है। तो बागपत के कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला जहां ईंटों से लदा हुआ ट्रक बाइक से टकराया और इस घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हैदर मलिक हमारे संवाददाता बागपत से जुड़ रहे हैं। हैदर, क्या कुछ है पूरा कारण, किस वजह से यह हादसा हुआ और अभी जो घायल व्यक्ति है उसकी क्या कुछ हालत? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जो ये हादसा हुआ है ये NH-709 पर हुआ है जहां पर ईंटों से लदे एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक इसमें घायल है। बागपत में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। अब से दो दिन पहले भी यहाँ पर सड़क हादसा हुआ था जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई थी। जी जी हैदर, क्या ट्रैक्टर चालक की इसमें गिरफ्तारी हो पाई है? जी अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन पुलिस ने तहरीर के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हुई है, साथ ही एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। पूरा मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र का।